नमस्कार दोस्तों, महाविगाह चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल घंटा नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो लाइन तो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, महाविगाह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आप लोग का एक ऐसे वीडियो लाया हूं जो बच्चों को सुखरा रोग धर लेता है तो इस यंत्र बहुत जबरदस्त काम करता है। तो चलो दोस्तों, मैं इस यंत्र को मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों, इस यंत्र को मैं बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप सुखरा रोग दूर कर सकते हैं। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त में लिखना है, शुभ मुहूर्त में लिख के आप इसको धारण करवाएंगे तो सुखरा रोग दूर हो जाएगा। जिनको जैसे मान लीजिए बच्चे में ज़्यादा ये पकड़ता है और जिनको जल्दी ठीक ना हो रहा है, और वो इस यंत्र को लिखकर आप जल्दी ठीक कर सकते हैं और कभी सुखरा नहीं होगा। तो ये ज़्यादा ये बच्चा में 3 साल 4 साल 2 साल या कहीं होती में रहता है, तो इस अंतराल में इस यंत्र को प्रयोग करें तो बहुत लाभ मिलेगा। और जो भी मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन लेते रहें और इस यंत्र को अपना यंत्र प्रभाव दिखा देगा और सुखरा रोग खत्म हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस यंत्र को मैं लिखने के बारे में बता रहा हूँ। लिखने की मुहूर्त में कभी भी लिख सकते हैं, इसका कोई टाइम टेबल मंग शुभ मुहूर्त में लिखना है तो केसर, केसर है जो एक केसर और भोजपत्र पर लिख कर पहला एक यंत्र बच्चों को दाहिने हाथ में बांध दे। जो केसर से लिखें वो पहला जो यंत्र लिखें वो बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दे। फिर उसको दूसरे यंत्र लिखकर मकान के दरवाजे के बीचों बीच लटका दे। ठीक 11वें दिन एक यंत्र और लिखें। अब बच्चे के हाथ में जो यंत्र पहले से बांधा है उसे उतार कर नया यंत्र जो लिखे वे बांध दे तथा आ गया यंत्र दरवाजे में लटका दे और दरवाजे वाला यंत्र किसी कुआं में फेंक दे या कहीं नदी में बहा दे। दोस्तों, इस यंत्र को सुखरा रोग ठीक करने के लिए ये यंत्र माना जाता है। इससे सुखरा रोग ठीक हो जाएगा और जल्दी नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद।